आपको ट्रेंड एनालिसिस भी बता दिया अडानी का, मैंने आपको काली लाइन से ही बता दिया, मैंने आपको 1 घंटा, 1.5 घंटा, सॉरी 1 घंटा, 4 घंटा और 1 दिन पर भी बता दिया। अब मेरे ख्याल से इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्टॉक ऑप्शन पे डू नॉट एक्सरसाइज की तरफ जाना चाहिए या रुक जाना चाहिए? अरे महाराज, अभी तो इसमें बना ही सकते हैं, अभी तो इसे बना ही सकते हैं महाराज आपको। बट इसको 27 अप्रैल के पहले मंडे को निकाल देना है, ठीक है? चाहे आप प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, निकाल देना है। लॉस में होंगे ही नहीं, ये मेरी गारंटी है कि आप लॉस में नहीं होंगे, प्रॉफिट में ही होंगे। तो आपको ये 8,000 का लॉस लेना ही नहीं है सर। 15 पॉइंट के चक्कर में मत पड़िए। बैंक निफ्टी में 15 पॉइंट मिल गया, निफ्टी में 20 पॉइंट मिल गया, बड़ा पैसा पकड़ो सर, ये पकड़ो ना बड़ा पैसा, जहां पे मैं 15 लॉट से बैठा हूं, ये पकड़ो ना सर बड़ा पैसा। चिल्ला चिल्ला के बोला था औरो फार्मा, चिल्ला चिल्ला के बोला था, 1 लॉट में 20,000 का प्रॉफिट चल रहा है सर। मैं आपको वर्चुअल ट्रेड पे दिखा रहा हूं, 1,20,000। मैं इसलिए इस पे डाल देता हूं वर्चुअल ट्रेड कि मैं सेंसिबल के सारे वो देख लेता हूं कि कहां पे कैसा चल रहा है। 1 लॉट में वर्चुअल ट्रेड में डालता हूं, जो मैं भी रियल ट्रेड करता हूं 1 लॉट में वर्चुअल ट्रेड पे डालता ही डालता हूं। सेम उधर अकाउंट में ट्रेड पंच किया, इधर मैंने वर्चुअल ट्रेड पर भी डाल दिया, क्योंकि मैं यहां पे देख लेता हूं क्या चल रहा है कैसे चल रहा है। 15 लॉट से मैं इसमें बैठा हूं सर। कहां पड़े हो सर आप? कितने की पोजीशन बनी थी सर ये? जब इसको खरीदा गया था 19,005 पे खरीदा गया था, 59,024 पे चल रही है सर। देखो इसको एनालाइज कर लेते हैं, 19,005 पे चल रही थी ना इडिट, अरे इडिट ही नहीं होगा ये, 35, 1 लॉट इसमें मेरे ख्याल से 30-35 हजार का था 1 लॉट, आपके सामने है सर। कोई मैं आपको दिन में सपने थोड़े दिखा रहा हूं, आपके सामने है सर। इसमें पहले सेल वाला निकालेंगे ना सर? नहीं, इकट्ठे निकालेंगे सर, अच्छा इकट्ठे निकालेंगे, इकट्ठे बाई किया, इकट्ठे सेल। कभी भी जब आप पेयरिंग में पोजीशन बनाते हो तो पेयर में खरीदो, पेयर में बेचो, उससे आपका जो वेगा है वो मेंटेन रहता है। जैसे अल्फा बीटा थीटा गामा सामा होता है ना, वेगा मेंटेन रहता है। तो इसका फिर बास्केट ऑर्डर बना के डालना बास्केट पड़ेगा ऑर्डर, सर? बास्केट ऑर्डर बना के डाल लीजिए। ऊपर बाई बाई वाला पहले रखिए, सेल वाला बाद में रखिए, जिससे बाई वाला जब पहले पंच हो जाएगा ना सर, तो आपकी मार्जिन के ऊपर वो रिग्रेशन आपका नहीं लगेगा मार्जिन के ऊपर, और अगले दिन जो आपकी फॉरवर्ड मार्जिन होगी वो वापस हो जाएगी। बाई वाला ऊपर रखेंगे तो पंच हो जाएगा फटाक से। मान लीजिए आपके अकाउंट में 85,000 रुपया है और ट्रेड 37,000 का बन रहा है, तो पहले बाई वाला पंच कीजिए, ऊपर कर दीजिए बाई वाला। और अगर आप सेंसिबल के थ्रू, सेंसिबल में भी जाके ऑर्डर लगा सकते हैं, सेंसिबल के लिए लगाएंगे तो पहले बाई ही पंच करेगा फिर सेल पंच करेगा, है ना? ठीक है सर। हाँ सेंसिबल आप लोग ले लीजिए, सेंसिबल अच्छी चीज है, जिसकी मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं, बट सेंसिबल अच्छी चीज है, मैं यूज करता हूं आज से नहीं, काफी टाइम से यूज कर रहा हूं, सालों हो गए, तो सेंसिबल अच्छी चीज है। तो आपने देख लिया ना सर कि किस तरीके से एनालाइज करें। ट्रेंड लाइन तो मैंने वैसे ही मतलब आप लोगों की सुविधा के लिए डाल दी, मैं तो ट्रेंड लाइन पे कभी एनालिसिस करता ही नहीं, वो तो मैंने आपकी सुविधा के लिए डाल दी। अब यहां पर एक चीज और निकल के आ रही है, 200 की मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस। तो 1835 पर 200 की मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है, अगर ये 1835 पे जाता है सर तब भी देख लेते हैं कितना बनता है। अगर आप रेजिस्टेंस के पास ही इसको अगर उठा के फेंक देते हो तब भी ये कितना दे के आपको जाएगा, तब भी आपको 2-3 हजार रुपया दे के चला ही जाएगा सर, नुकसान नहीं देगा ये आपको, ये आपको नुकसान नहीं देगा सर। तो इस तरीके की चीजों को जानिए सर, ट्रेडिंग पैसे से नहीं होती सर, ट्रेडिंग कैरेक्टर से होती है। टिप ज्वाइन कर लिए, ये ज्वाइन कर लिए, वो ज्वाइन कर लिए, कुछ भी, मैं नहीं कहता हूं कि मेरे से सीखिए, मैं कभी नहीं कहता कि मेरे से सीखिए, लेकिन जो अच्छे से सिखा रहा है उससे सीखिए। गुरु, स्ट्रेटजी, सेटअप और ब्रेन मैपिंग एक होनी चाहिए सर। एक गुरु, एक स्ट्रेटजी, एक सेटअप, या तो एसएल या तो टारगेट,
इन चार नियम को फॉलो कीजिए। मैंने मेरे अब तक एक ही गुरु हैं, जब तक मैं धरती पर हूं तब तक एक ही रहेंगे। गुरु एक ही होता है सर, प्रॉफिट एक ही चीज देती है, सेटअप और स्ट्रेटजी आपकी एक ही होती है। और मैं जो सेटअप आपको दे रहा हूं एक मिनट से लेके एक महीने तक, इंडियन मार्केट से लेकर फॉरेन मार्केट तक, कहीं पर भी लगा लो सर, कहीं पर भी लगा लो, अगर फेल होगा तो आपकी गलती से होगा। अगर सेटअप फेल हो रहा है तो आपकी गलती से हो रहा है, आपकी गलत ऑब्जर्वेशन की वजह से फेल हो रहा है। चीजों को समझने की कोशिश कीजिए सर। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना बहुत आसान है, वो आसान रास्ता आपको कौन बताएगा? वो आसान रास्ता आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि आप सब लोग पैसा ऐंठने के लिए बैठे हैं। अरे मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट नीचे आएगी, ठीक है तुम बता रहे हो मार्केट ऊपर जाएगी, अरे क्यों जाएगी बता तो दो, क्यों नीचे आएगी ये बता दो, आदमी अपना कर लेगा, दो चार बार धक्के खाएगा दिमाग सही हो जाएगा। वो बात मैं कह रहा हूं, मैं आप लोगों को कैसे पहचान? अरे बोले 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 ना सर, लिक्विड स्टॉक्स के ऊपर ही हम ऑप्शन कर सकते हैं, लेकिन वो समझ नहीं आते कौन से होते हैं, उसकी लिस्ट कैसे बनाए 10-20। अरे महाराज गूगल में जाओ लिख दो लिक्विड स्टॉक लिस्ट, मिल जाएगा, हमको भी थोड़े याद रहता है 5,000 स्टॉक है, पूरी एनालिसिस करके जाते हैं तो पता चलता है ऑप्शन ही इन लिक्विड।